हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय क्षेत्र तंत्र। आज मैं ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूँ जो मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे कि हम अपने पितरों को, एंसेस्टर्स को कैसे तर्पण करें, कैसे उनको तृप्त करें, हाउ टू ऑफर टू आवर एंसेस्टर्स इन अ ईजिएस्ट वे टू कंप्लीट द पितृपक्ष पूजा, जिससे हमारी पितृपक्ष की पूजा कंप्लीट हो सके, जो 2 अक्टूबर को अमावस्या के दिन आपको करना है। मैं वीडियो छोटी बनाऊंगा और इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये मुझे एक योगिनी थी उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। जब मैं भ्रमण कर रहा था और रिसर्च कर रहा था तो मैं एक योगिनी से मिला। उनकी उम्र 50 वर्ष की शायद रही होगी और वो कुंडलिनी साधना और हठ योग की साधनाएं करती थी, जिसमें पृथ्वी तत्व साधना, जल तत्व साधना और अग्नि तत्व साधना और प्राण तत्व साधना और आकाश तत्व साधना, जिसमें ये 5 तत्वों की साधनाएं की जाती हैं, जो हठ योग में नाथ संप्रदाय के अंदर कई सारी योगी करते हैं। कुछ लोग पृथ्वी तत्व की करते हैं, कुछ सिर्फ अग्नि तत्व की करते हैं, कुछ सिर्फ जल तत्व की करते हैं। वो उनके गुरु परंपरा, गुरु आदेश और उनके खुद के इंटरेस्ट पर रहता है कि उनको कैसी सिद्धियां, कैसी शक्तियां प्राप्त करनी है, उसके अनुसार वो उस तत्व की साधनाएं करते हैं। तो वो जो योगिनी थी वो पृथ्वी तत्व की, जल तत्व की, अग्नि तत्व की और प्राण तत्व की, वायु तत्व की साधना करती थी। तो मैं उनके पास एक दिन बैठा था तो जन कल्याण के लिए जो हमारे ऋषियों की परंपराएं रही हैं, आप जो भी हमारे ग्रंथ देखेंगे, चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे वो जितने भी पुराण हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, उसके अंदर आप कन्वर्सेशन देखेंगे, कमेंट्रीज देखेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न कर रहा है और वो उत्तर कर रहा है। मीन्स स्टूडेंट गुरु से प्रश्न करता है, गुरु उसका उत्तर देता है। जिस तरीके से माता पार्वती भी प्रश्न करती हैं बाबा से, बाबा शिव से, और भैरव प्रश्न करते हैं भैरवी से। ये कॉन्सेप्ट, ये जो प्रथा इसलिए चलाई गई कि जन कल्याण के लिए कुछ नया निकल के आ सके और उनके लिए कुछ आसान हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको, माता पार्वती को इस ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है, या जो कई सारे ऋषि हुए हैं उनके पास ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि जो जन कल्याण के प्रश्न है अकॉर्डिंग टू दिस एरा, कि उस समय में जिस प्रश्न की, जिस तत्व की जरूरत है, वो प्रश्न किए गए और उसको दोबारा रिवील किया गया, उजागर किया गया जन कल्याण के लिए। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको पूरी पृथ्वी पर किसी भी धर्म संप्रदाय में नहीं मिलेगा, जो ये कन्वर्सेशन की गई है किसी में भी। इतना विराट रूप, जो इतना विराट रूप है समुद्र के समान, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और हम पीछे जाएं तो हम सब सनातन से ही बिलोंग करते हैं, इसमें कोई धर्म विशेष की ऐसी कोई हानि या उनके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। पर्पस यही है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, जिनकी वजह से आप आज भी सनातन क्रियाएं कर पा रहे हैं, उनको धन्यवाद करना हम सबका फर्ज बनता है कि उन्होंने अपने बुरे काल में, जब मुगलों का राज था, जब ब्रिटिशर्स का राज था, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जिसके कारण आज हम सब ये बात कर पा रहे हैं, अपने सनातन की संस्कृति को जान पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे पूर्वजों को। अगर वो तलवार की धार पर अपने आप को धर्म परिवर्तित कर लेते तो आज आप और मैं ये बात नहीं कर पाते। इसलिए इन दिनों में, स्पेशली जो ये पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, इसमें हमें अपने पितरों को धन्यवाद देना अति आवश्यक है और करना भी चाहिए। उन्हीं का ही बीज, उन्हीं का ही डीएनए, उन्हीं के ही गोत्र के द्वारा हमारे यहाँ पर हम ये संस्कृति को आगे ले जा पा रहे हैं। पहले वर्ण व्यवस्था होती थी, आज जाति व्यवस्था है। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है तो आप समझ सके, आप कनेक्ट कर पाए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। आज से 200-250-300 वर्ष पहले आप जाएंगे तो यहां पर वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जाति व्यवस्था। ब्रिटिशर्स ने जाति व्यवस्था लाकर डिवाइड करने की कोशिश करी और वो उसमें सक्सेसफुल भी हुए, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था थी, वो बड़े परेशान थे कि इनकी यूनिटी इतनी है कि ये डिवाइड करना इनको मुश्किल है।
और किसी को डिवाइड करना हो, जैसे आपके घर में आप चार लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो हस्बैंड किसी को मान रहे हैं, मतलब किसी डीटी को मान रहे हैं। सनातन धर्म तो उसकी 100% कंप्लीट फ्रीडम देता है, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है जब आप एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं रहते, उससे कुछ नुकसान रहते हैं, सोशल डिसबेनिफिट आपको हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जब एक व्यक्ति किसी और डीटी को मान रहा है, वाइफ किसी और डीटी को, किसी और गुरु को मान रही है, बच्चे किसी और रिलीजन या संप्रदाय को मान रहे हैं, उससे आप ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गए, क्योंकि आपके वैचारिक विचार कभी नहीं मिल पाएंगे और एक दूसरे पे आप प्रश्न करते रहेंगे, जो जातिवाद से हुआ, जो हमारे देश में होता रहा है और आगे भी होता रहेगा अगर हम उसे एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं ला पाएंगे। अगर एक गुरु हो पूरे परिवार का, एक ईष्ट हो, एक आराध्य हो, एक ही कुल देवी हो, क्योंकि कुल की देवी तो आपकी वही चलती आएगी और आपके पितृ भी वही रहेंगे, तो अलग पितृ नहीं कर सकते, आपकी कुल की देवी अलग आप कर ही नहीं सकते, आप चाकर भी पानी में लाठी मारकर पानी को अलग नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय में कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग, अपने आप को एजुकेटेड मानने वाले, मेट्रो सिटीज में रहने वाले, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहने वाले, बड़े बड़े घरों बंगलों में रहने वाले लोग, जो ये समझते हैं कि अब हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, उसी के कारण आने वाली जो जनरेशन है वो सफर कर रही है और करती रहेगी। जब तक आप एजुकेशन और अध्यात्म को अलग नहीं समझोगे, जो भी आपके पास एजुकेशन है, चाहे आप मास्टर डिग्री लेकर घूम रहे हैं, बैचलर डिग्री लेकर घूम रहे हैं, डॉक्टरेट डिग्री लेकर घूम रहे हैं, या कोई प्रोफेशनल डिग्री अपनी लाइफ में लेकर घूम रहे हैं, या आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपकी सोशल अचीवमेंट्स हैं, उसका अध्यात्म से 1% भी लेना देना नहीं है, अध्यात्म से उसका कुछ भी नहीं लेना, आपके स्पिरिचुअलिटी से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वो आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्रदान करती है, सामाजिक रूप पर रहने के आसान बनाती है, आपको सुविधाएं प्राप्त होती हैं उससे जो भी आप कमाई करते हो, लेकिन उससे अध्यात्म का कुछ भी लेना देना नहीं है। अध्यात्म आपकी आत्मा की यात्रा है और जो भी आप संसारिक अर्निंग कर रहे हैं वो आपके शारीरिक प्रगति के लिए, शारीरिक सुख समृद्धि के लिए बेनिफिशियल है। तो दोनों चीजों को मिक्स करना यह आपकी स्वतः ही मूर्खता है। आज लोगों को अपने कुल की देवी का नहीं पता, क्योंकि उनके पूर्वजों ने अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा, अपनी मनमानी करी होगी तो उनके पूर्वजों ने भी उनको कुछ नहीं बताया, या उनके पूर्वजों को भी कुछ नहीं पता था, तो आपको अपना कुल का देवता नहीं पता, हमारे कुल में किस देव की पूजा होती थी, आपको अपने कुल की देवी का नहीं पता, हमारे कुल में किस देवी की पूजा होती थी, आपको अपने जठेरे पितृ स्थान का नहीं पता आज के समय में, कि हमारे पितरों का स्थान कहां पर है, हमारे जठेरे कहां है, कहां पर उनकी स्थापना की गई थी, कहां से उनको भोग प्रवाह प्राप्त होंगे, कहां से उनको शक्ति प्राप्त होगी। कुछ लोग आप कमेंट कर सकते हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, वेद में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, आप उनकी पूजा मत कीजिए, आप पितृलोक में जाएंगे, यहां पर पूजा की बात की ही नहीं जा रही। मैं यहां पर किसी को पूजा नहीं सिखा रहा हूं, मैं यहां पर सिखा रहा हूं कि आपको अपने पूर्वजों के लिए क्या करना है। जैसे भगीरथ जी ने गंगा जी का आवाहन कर उनका मोक्ष की राह दिखाई, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है वो उसी लोक में जाता है, अंत समय उसकी जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, मैं भी सेम कह रहा हूं, मैं कोई डिफ्रेंशिएट पैदा नहीं कर रहा, लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट फिलोसफी लाने वाले लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन उसके तथ्यों को जाने बिना, अनुभव के बिना ज्ञान जीरो है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है और किताबें आपने 1000 पढ़ ली हैं तो आप बिल्कुल जीरो रहोगे। जैसे वो व्यक्ति जब मास्टर डिग्री करके अपने कॉलेज से निकलता है और जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास जीरो एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो जीरो ही कहलाता है, उसको उतनी सैलरी नहीं मिलती, उसको अंडर ट्रेनी रखा जाता है। तो आप सब लोग 1000 किताबें पढ़ने के बाद भी अंडर ट्रेनी है, बिकॉज आपने अपने गुरु से अनुभव प्राप्त नहीं करा। इसलिए भगवान शिव रामचरितमानस के अंदर उमा माता को कहते हैं कि उमा कहूं मैं
अनुभव अपना, सत हरि कथा जगत सब स्वप्ना। हे उमा, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। उन्होंने ज्ञान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो चाहते तो ज्ञान शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। उमा कहूं मैं ज्ञान अपना, सत हरि कथा जगत सब सपना। ज्ञान तो क्षणभंगुर है, चेंजेबल है, वो चेंज होता रहेगा परिस्थिति के अनुसार। इसलिए हमारे यहां पर इतने सारे ऋषि हुए, हर ऋषि ने अपने पुराने ऋषि को फिल्टर किया, जो हमेशा होता रहेगा। एक ऋषि कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, उन्होंने और इजी किया, ऐसे ही लीने चलती आई। यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको फिल्टर कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द एरा। आप आज से 400 साल पहले कहे गए ऋषि के फॉर्मूलोज को अप्लाई नहीं कर पाओगे, सिचुएशन सोसाइटी में ऐसी नहीं है। लेकिन हम उन्हीं तथ्यों में फंस गए कि भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले क्या कहा, भगवान शिव ने क्या कहा। वो एरा अलग था, 5200 साल पहले मानव जाति की परिस्थिति अलग थी। उस समय इतने धर्म नहीं थे, उस समय इतने संप्रदाय नहीं थे, उस समय इतनी जातियां नहीं थी, उस समय मूर्ति पूजा भी नहीं हो रही थी। लेकिन आज का एरा अलग है, आज कुछ फिल्टर हो गया है। फिर आदि शंकराचार्य जी आए 2500 वर्ष पहले, उन्होंने चार धाम की स्थापना करी। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आप किसी चीज के तत्वों में उसकी रूप तक नहीं पहुंचोगे जब तक आप कुछ भी करते रहो, आपको उसका 100% बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मेरी बातें शायद लोगों को समझ नहीं आती, उनको वायरल वीडियोस देखने का हैबिट है, उनको कुछ अलग से कंटेंट चाहिए जिससे सिर्फ मन खुश हो, जिससे अध्यात्म ना फलीभूत हो, उनको वैसी वीडियो देखने में मजा नहीं आता। ये सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ सके कि आप क्या सीख रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो आपको अपने कुल देवी का नहीं पता, कुल देव का नहीं पता, पितृदेव का नहीं पता, कुल गुरु का नहीं पता, कुल ऋषि का नहीं पता। आप देख लो कि 90% लोगों को नहीं पता होगा आज के समय में, मोर देन 90 आई कैन टेल यू। और बहुत लिमिटेड लोग हैं जिसको सिर्फ कुल देवी का पता है, कुल के देव का नहीं पता, किसी को अपने पितृ जठेरों का नहीं पता, क्योंकि आप डिवाइड कर दे गए हो। और मेरा पर्पस है कि सबको वापस अपनी रूट से जोड़ना, क्योंकि अगर रूट में पानी दोगे तो आपका पेड़ फल फूला रहेगा, आपको फल प्राप्त होते रहेंगे, आपको रूट की केयर करनी है। तो ये जो पितृपक्ष चल रहा है, उनकी वजह से ही आज हम ये संवाद कर पा रहे हैं, ये कमेंट्री डिस्कशन कर पा रहे हैं। तो उनको देने से आप उनकी पूजा नहीं कर रहे, आप उनको फलीभूत कर रहे हो, आप उनको शक्ति प्रदान कर रहे हो। महाभारत काल में भी जब धृतराष्ट्र के द्वारा कोई भी सही डिसीजन नहीं लिया गया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो एक रात उनके सारे पितृ उनके पास आए स्वप्न में और उनको कहा कि पुत्र ये डिसीजन सही लो, ये युद्ध मत होने दो, अपने पुत्र के मोह में ये गलत डिसीजन मत लो। लेकिन वो शारीरिक अंधे होने की वजह से मानसिक भी अंधे थे, इसलिए उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। आज के समय में ज्यादा लोग डिस्ट्रस्ट हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ज्ञान लेना, अलग अलग फिल्टर्ड बुक से ज्ञान लेना। मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर रहा था कि आज के समय में जितनी भी बुक्स हैं, आपको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती, आपको देवनागरी लिपि नहीं आती, आपको मंत्र का रहस्य नहीं आता, आपने एक बुक उठाई, बहुत सारी बुक्स को फिल्टर किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, मैक्स मूलर के द्वारा, मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा, मुगल्स के द्वारा, उसके अंदर मंत्र चेंज किए गए, कुछ शब्दों का हेर फेर किया गया जिससे आप बर्बाद हो जाएं। इसलिए मंत्र गुरु द्वारा लेने की परंपरा हमारे नाथ संप्रदाय में चालू शुरुआत हुई। क्यों हुई? कि गुरु सही मंत्र आपके कान के अंदर प्राण शक्ति को डालेगा, उसी मंत्र का आप जाप करते रहे, बाकी ज्ञान आपको लेने की जरूरत नहीं है। गुरु वाक्य मंत्र मूलम, गुरु का वाक्य मंत्र के मूल के समान होता है, तो गुरु जो कहते हैं उसी को ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि आजकल सारी तंत्र की बुक, अध्यात्म की बुक इतनी फिल्टर्ड है कि आप समझ नहीं पाओगे। आप जो भी मंत्र उठाने की कोशिश करोगे आपके साथ गलत होने लगेगा। मैं जो कुछ भी साधना ही देता हूं, आई नेवर गिव द डिस्काउंट, दीक्षा मैंने कभी किसी को नहीं दी है और ना मैं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं गुरु नहीं हूं और ना मैं बनना चाहता हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने कोई शिष्य नहीं बनाया, उनके गुरु ने कोई शिष्य नहीं बनाया, उनके लाइफ में कोई शिष्य नहीं रहे, दीक्षित शिष्य नहीं रहे। कुछ गुरु सीधी चीज दे देते हैं, पिता को अपने पुत्र को देने के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार स्वतः ही होता है, उसके लिए कुछ अलग से क्रियाकर्म करने की जरूरत नहीं है। जो लोग संप्रदायिक कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो फाइन, बट
ये नहीं कि जो गुरु दीक्षित नहीं करते वो नहीं होते, बहुत सारे गुरुओं ने डिसाइड किया कि वो दीक्षा नहीं देंगे। अब जो कलयुग चल रहा है इसमें तो शिष्य ही नहीं है आपके पास, तो शिष्य मिलेगा नहीं, वो सामाजिक क्रियाओं में फंसा है, अपने व्यसनों में फंसा है, उनको इतनी गंदी गंदी आदतें हैं, उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, तो आप अध्यात्म क्या करोगे। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, अपनी रूट को जानो, जब तक आप रूट को नहीं जानोगे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर पाओगे। घर में कला कलेश रहेगा, डिवोर्स होते रहेंगे, घर के अंदर आपके बच्चे अज्ञानता से भरे रहेंगे, आपको दुख देते रहेंगे, आप उनसे दुख लेते रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी जड़ों को जानने की कोशिश नहीं करी, नेक्स्ट जनरेशन को वो इन्फॉर्मेशन देके नहीं गए, इसलिए आप बीच में अटक गए, कुछ पितृलोक में अटक गए, कुछ प्रेत लोक में अटक गए, कुछ भूत लोक में अटक गए, कुछ ब्रह्म लोक में अटक गए, ब्रह्म राक्षस बन गए। तो बहुत सारे जो आत्माएं अतृप्त घूम रही हैं, उनको तृप्त करने के लिए, उनको उस डिपार्टमेंट से पितृलोक तक ट्रांसफर कराने के लिए और पितृलोक से दूसरी गति कराने के लिए ये सब क्रियाएं की जाती हैं, और इसके अंदर बहुत सारी विविधताएं हैं, डायवर्सिटीज हैं, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि अनुभव के बिना उनको समझाना मुश्किल है और बिना अनुभव के उनका समझना मुश्किल है। तो मैं उन योगिनी से मिला, उन्होंने मुझे, मैंने उनसे कहा कि आज के समय में जिस एस्ट्रोलॉजर को देख लो आप, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को देख लो, आपको पितृ दोष बता देगा। अब वो सच में ही पितृलोक में है, प्रेत लोक में है, भूत लोक में है, ब्रह्म राक्षस लोक में है, किस लोक में है वो आपको नहीं बताते। आप सारी जिंदगी पितृदान करते रहते हैं, गया जी जाके, त्रिवेणी संगम में जाके, काशी में जाके, ब्रह्म कपाल पे जाके, बद्रीनाथ में जाके, कुरुक्षेत्र पेवे में जाके, आप अलग अलग स्थानों पे जाकर, जहां जहां हमारे पुराणों में मान्यताएं हैं, जहां जहां हमारे ऋषियों ने, देव देवी देवताओं ने जाकर उनके पितरों के लिए जो पितृदान करे हैं, वहां पर जाके आप पितृ पूजा कराते हैं, लेकिन उससे भी आपको फल प्राप्त नहीं होता, फिर भी आपका पितृदोष समाप्त नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जो ये कलयुग है, इस कलयुग के अंदर उनके कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स इजिएस्ट वे में किए जा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में फिजिकल एज इतनी नहीं है, मेंटल एज भी इतनी नहीं है, और डिसीज फैल रही है, तो उसके लिए आप इजी काम करो। आप अमावस्या के दिन जो 2 अक्टूबर को आने वाली है, उस दिन आपको क्या करना है, काले तिल लेने हैं, खाने वाले ब्लैक सीसम में काले तिल खाने वाले, कच्चा दूध लेना है, दूसरी आइटम है कच्चा दूध, रॉ मिल्क लेना है, उसको बॉयल नहीं करना। कितनी क्वांटिटी लेनी है आपको, 1 चम्मच काले तिल लेने हैं, 100 ml आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें गंगा जल मिलाना है, और सफेद बूरा या बतासा, नॉर्थ इंडिया में बतासा बहुत यूज होता है, कॉमनली यूज होता है, आप उसे यूज करें, नहीं तो सफेद बूरा, हम उसे सफेद खांड बोलते हैं यहाँ पर, सफेद बूरा इजिली ग्रोसरी शॉप पर मिल जाता है, वो भी नहीं मिलता अगर आप किसी साउथ इंडिया की तरफ रहते हैं या वेस्ट इंडिया की तरफ रहते हैं या ईस्ट इंडिया की तरफ रहते हैं, तो आप सफेद शुगर को यूज कर लें, वो रेकमेंड नहीं है अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस, क्योंकि वो फिल्टर्ड होती है, तो सफेद बूरे का इस्तेमाल करें या फिर बतासे का इस्तेमाल करें, जो चीनी से उसको अग्नि के ऊपर बनाया जाता है, तो जिसकी इंप्योरिटीज उसकी खत्म हो जाती है, तो वो प्योर हो जाती है, इसलिए हम बतासे का यूज महाकाली तंत्र में उसका काफी यूज है, और गंगा जल, ये 3 वस्तु आपको लेनी है। इन 3 वस्तुओं को एक तांबे के, पीतल के या फिर मिट्टी के कोई भी ग्लास आपके पास हो, उसके अंदर ये 3 चीजें मिला लें और उसको भर लें, 1 प्लेट रख लें, जिसके अंदर ये 3 सामग्री मिलाई है उसके अंदर थोड़े से पुष्प डाल दें, गुलाब की मिल जाए गुलाब के, चाहे गेंदे की मिल जाए, थोड़े से उसके अंदर पत्तियां डाल दें, उसकी तोड़कर उसके अंदर पत्तियां डाल दें। अब 1 प्लेट रख लें, उल्टे हाथ से जल डालते रहें, इधर जैसे आपने ये कटोरा ग्लास जिसके अंदर सारा आइटम मिक्स करके रखा है, इधर से 1 चम्मच डालें, और जो इस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं इस साधना काल में, जिस भी मंत्र का आपने जाप किया है, उसके आखिर में तर्पयामि नमः, तर्पयामि नमः करके आपको वो तर्पण करना है। नीचे प्लेट रख ली, इधर जल डाला, ये जो स्थान है ये पितरों का स्थान माना गया है, अंगूठे की तरफ से डालना, ये देवताओं का, जब हम देवताओं को तर्पण करते हैं तो सामने की तरफ से करते हैं ऐसे करके, और जब ऋषियों को तर्पण करते हैं तो ऐसे करके करते हैं इधर की तरफ से। 3 तर्पण है, पितृ तर्पण, देव तर्पण और ऋषि तर्पण। तो देव तर्पण में सामने, पितृ तर्पण में ऐसे करके अंगूठे की इस तरफ से आपको वो धारा छोड़नी है,
आपको जल डालना है मंत्र बोलते बोलते, जब वो पूरा मंत्र, एग्जाम्पल के लिए मैं मंत्र दे रहा हूं, जैसे आप मानिए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो आपको क्या कहना है, ओम नमः शिवाय तर्पयामि नमः, ऐसे आपको एंड में तर्पयामि शब्द का उच्चारण करके नमः बोल के, और जो प्लेट रखी है उसके अंदर यहां से धारा छोड़नी है ऐसे करके, और ये 108 बार ऐसा करना है। अगर आप हर अमावस्या को करते हैं तो आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी और आपके पितृ तृप्त रहेंगे, क्योंकि ये तर्पण की क्रिया उनको तृप्त करने के लिए है। दूसरी बात, कब करना है ये काम, आपको 11 से 3 के बीच में ही करना है, उसके बाद नहीं करना। जब ये कार्य कर रहे हैं तो एक देसी घी का दिया जगाना है, जिसकी बत्ती का मुंह साउथ की तरफ होगा और आपको भी साउथ की तरफ ही फेस करके बैठना है। जब आप ये तर्पण क्रिया कर रहे हैं तो आपका फेस साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, एक देसी घी का दिया साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, एक आपको धूप जगानी है, उसी समय धूप जगानी है, दीप जगाना है, फिर ये तर्पण क्रिया करनी है। आपको एक सफेद मिठाई रखनी है, दूध से बनी हुई, जो सफेद मिठाई हो, शुद्ध हो, चाहे घर में आप खीर बना लें वो अत्युत्तम है, खीर अत्युत्तम क्रिया है। उसको बनाने के बाद उसके अंदर थोड़े से खाने वाले काले तिल लाना, सस्ते पूजा वाले काले तिल मत लाना, उन्हें कहना कि हमें खाने वाले काले तिल चाहिए, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन वही आपको यूज करने चाहिए, जो भी खाने वाली आइटम है वही यूज करनी चाहिए पूजा में, मैं उन्हीं का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि आप अपने देव को, पितृ को, ऋषियों को, कुल गुरु कुल देवियों को तृप्त करना चाह रहे हैं, तो कोई भी सस्ती नकली आइटम यूज नहीं करनी चाहिए। इसलिए कलयुग में हवन की ज्यादा मान्यता नहीं कही गई है, क्योंकि अशुद्धता ज्यादा है, वस्तु अशुद्ध है, और आजकल आप न्यूज में भी देख रहे हो कि बहुत बेकार की चीजें आ रही हैं, तो इसलिए उसको मना कर दिया गया। तो हर चीज देख के परख के सही दुकान से लानी चाहिए, देखभाल के, आप मेरा इशारा समझ जाइए। अब वो तर्पण क्रिया करने के बाद एक एक चम्मच डालते रहे, तर्पण क्रिया करते रहे, उस प्लेट में सारी सामग्री आपको उड़ेल देनी है, जो भी एक एक कर जो आपने खट्टी बनाई है, कच्चा दूध, काले तिल, सफेद बूरा और गंगा जल, ये डाल के आपने सारा कुछ कर लिया। अब जो ये सामग्री है, इस सामग्री को आपको ले जाकर पीपल के पेड़ के पास डाल देना है, बड़ा पीपल का पेड़ हो, जिसका घोरा बड़ा हो, वहां पर जाकर उनको अर्पित करें, हे मेरे हमारे पितृदेव, हमारे पूर्वज, ये मेरी की गई क्रिया को, विधि को स्वीकार करें और हमारे द्वारा इस वस्तु को ग्रहण करकर तृप्त होइए। जिस लोक में भी आप हैं, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि उस लोक से आपको मुक्ति प्राप्त हो और आप मुक्ति की राह पर आगे चलें, और मेरे पूरे परिवार को के ऊपर आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, और हमारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आपको तृप्त करता रहे, हमारे पितरों को तृप्त करता रहे, ऐसी प्रार्थना करिए। और अपने पितृ स्थान को जानने की भी कोशिश करिए, अपने बुजुर्गों से पूछिए कि हमारे पितरों का स्थान कहां पर है, हर एक का होता है तो आपको पूछना चाहिए। तो जब ये सारी क्रिया हो जाए, दिया वहीं जलते रहने दीजिए, जो मिठाई है और जो आपने अगर खीर बनाई है, खीर गाय को खिला दीजिए, कौए को खिला दीजिए, जाकर जो कौओं का स्थान हो वहां पर रख दीजिए डोने के अंदर, और जाकर एक हिस्सा गाय को खिला दीजिए, एक हिस्सा कुत्ते को खिला दीजिए, एक हिस्सा पंछियों को खिला दीजिए, उसके चार हिस्से करके चारों हिस्सों में खिला दीजिए। आप उस दिन स्पेशली काले तिल का दान करिए किसी मंदिर में, काले तिल का दान, जहां शिवालय बना हो, चाहे यहां जहां पर लक्ष्मी नारायण हो, आदि पितृ लक्ष्मी नारायण माने गए हैं, तो उनके जहां लक्ष्मी नारायण की स्थापना हो, उनके पास जाके काले तिल, कच्चे दूध का पैकेट या 1 किलो 2 किलो जो भी आपकी सामर्थ्य है फाइनेंशियली, आप वहां पर जाके कच्चा दूध, पानी की बोतलें या पानी का दान करें, साथ में पानी का दान करें, कुछ खाने की वस्तु गरीबों में बांट दें, जैसे रोटी, सब्जी, जिसमें स्पेशली पनीर की सब्जी मिली हो, पनीर कौओं को खिलाएं उस दिन, अच्छा क्वालिटी का पनीर कौओं को जाके खिलाएं। और ये सारे दान आपको 2 अक्टूबर को ही करना है सारा, और ये दोपहर को ही करना है। आप 11 बजे क्रिया करने बैठ जाइए, आप थोड़ी देर में फ्री हो जाएंगे, सारा सामान, सारी सामग्री पहले इकट्ठी कर लीजिए, आपका खाना, काला तिल जो आपको दान करना है, पानी, कच्चा दूध जो भी आपको दान करना है, ये वस्तु ऐड करनी है, और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन वस्तुओं को आपको अपने दान में ऐड करना है। ये सब वस्तु ले जाकर किसी भी लक्ष्मी नारायण जी के सामने या शिवालय के पास जाके रख दीजिए, और अपने पितरों की बाबा शिव से या लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना कीजिए कि वो जहां पर भी उनको मोक्ष प्राप्त हो, सुख समृद्धि, सुख शांति प्राप्त हो, और हमारे ऊपर भी उनकी कृपा सदा बनी रहे ऐसी, और हमसे जाने अनजाने में हमारे पूर्वजों से भी जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आगे से हमारे से ऐसी गलतियां ना हो,
उसके लिए मैं ध्यान रखूंगा और आप भी हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। ऐसे सब क्रिया कर उस दिन अगर आप करते हैं तो आपके पितृ बहुत ही खुश होंगे और आप पर अनंत आशीर्वाद की कृपा उनकी होगी और आप पितृलोक से आसानी से मुक्त हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ा कार्य नहीं करना, सेम क्रिया हर अमावस को कर सकते हैं। अगर ये क्रिया उनके द्वारा मुझे जो बताई गई थी, अगर ये क्रिया जल नदी के बीच में खड़े होकर की जाए, चाहे वो गंगा जी हो, हरिद्वार अगर आप जा रहे हैं, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, या यमुना जी हो, अगर वो नदी के पास नदी के बीच में की जाए तो ये अति उत्तम फल देती है। नहीं की जा सकती तो उन सारी वस्तुओं को ले जाकर भी जो हुई है पीपल पे या फिर नदी में जाकर भी आप प्रवाह कर सकते हैं, ये आपको अति उत्तम फल देगी। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो के अंदर आसानी से आपको सारी क्रियाएं बता दी, और आप इस पूरी वीडियो को भेजें और अपने किसी जानकार को जो सत्य में सनातन से जुड़ना चाहता है और तंत्र में अपने आप को आगे ले जाना चाहता है तो इस वीडियो को उससे शेयर करो और उन्हें सही ज्ञान प्राप्त कराओ और अपनी जड़ों से जुड़ो। ओम काली।